दोस्तों आप देख सकते हैं हेलो मोटो यानी कि मोटोरोला का लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ हेलो यूआई आपको देखने को मिल जाता है पावर्ड बाय एंड्रॉइड। और मोबाइल कौन सा है तो मोटोरोला का H50 नियो 5G मोबाइल है। और खासियत क्या है दोस्तों, तो आप इसका फॉन्ट देखिए कितना बढ़िया से ये प्रेजेंटेबल है, कितना बढ़िया से बैकग्राउंड दिया गया है। और ये जो पावर्ड बाय थिंकशील्ड है और ये जो एनिमेशन है ये देखिए कितना बढ़िया से मोटोरोला का लोगो भी निकल के आ जाता है। और ये स्टार्ट होने के बाद क्या दिखाएगा तो आपको बहुत ही ब्रांड न्यू लुक के साथ वॉलपेपर दिखाएगा आपके मोटोरोला H50 नियो 5G मोबाइल का, जिसके ऑब्वियसली आपको अंदर जाना होगा। तो अंदर जाने के लिए आप जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे आपको कीपैड मिल जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब दोस्तों देखिए जादू होगा, गिली गिली 1 2 3, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जो है वो बदल कर कैसा हो जाता है 50 उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो जरूर से बताइएगा कि कौन से बैंकिंग ऐप में आपने इस तरह का स्क्रैम्बल पिन पैड देखा है जिसमें आपको देना होता है उल्टा पुल्टा तरीका से, तभी आप अपने मोबाइल के अंदर जा सकते हैं, जैसा कि मैं अभी जा रहा हूं इस मोबाइल के अंदर। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन सेल से मैंने इसको परचेज किया है मात्र 22,000 रुपए में सारे ऑफर्स एंड क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट के बाद। आपने कितने में परचेज किया है दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके कुछ फीचर्स की बात कर लें, सबसे पहले तो पैंटोन वेरीफाइड आपको ये डिस्प्ले मिल जाता है और कलर मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का ब्राइट एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है, फ्लैट डिस्प्ले है जो बहुत बढ़िया बात है, कर्व डिस्प्ले से बोर हो गया था दोस्तों खासकर मोटोरोला के फोन से। 2800 nits का पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाता है, 1.5K का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। और क्या चाहिए आपको 20-22 हज़ार रुपए के रेंज के फोन में। वायरलेस चार्जिंग इसमें आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों की, जो की 20-22 हज़ार के रेंज में मिलना नामुमकिन है, एक नथिंग फोन ही लाया था 30,000 के नीचे। हाँ ये बात और है कि 4310 mAh का आपको इसमें बैटरी देखने को मिल जाता है, मगर 68 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का पीछे वॉइस कैमरा देखने को मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल का इसमें आपको टेलीफोटो लेंस भी पीछे देखने को मिल जाता है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है जो कमाल का फोटो लेता है, हम लोग आगे देखेंगे। MediaTek का Dimensity 7300 प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक पावरफुल प्रोसेसर है। एंटीटू स्कोर ऑलमोस्ट 6.5 लाख से 7 लाख के बीच निकल के आता है। और अगर आप गौर कर रहे होंगे मेरे इस डिस्प्ले पे तो आप देख सकते हैं कि मैंने शॉर्टकट इतना बढ़िया बनाया हुआ है। बैटरी खोलना हो तो मेरे को यहाँ से खुल जाता है, मेरे को कहीं अंदर जाके खोजने का जरूरत नहीं होता है। लोकेशन खोलना हो तो बस यहाँ से मैं एक टैप से खोल लेता हूँ, इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ। इनफैक्ट स्टोरेज देखना हो तो मेरे को एक टैप से मिल जाता है, अंदर जाके मुझे खोजने की जरूरत नहीं कि कहाँ लोकेशन है, कहाँ बैटरी है, कहाँ स्टोरेज है, लंद पन देवानंद। और दोस्तों क्या अपने मोटोरोला मोबाइल में इस तरह से कुछ करते हैं और आप देखते हैं कि गायब हो जाता है आपका इमेज में से कोई भी अनवांटेड चीज, जैसे कि आप देख सकते हैं ये गायब हो गया। इरेज ऑल का भी ऑप्शन मिलता है, इरेज ऑल करेंगे तो आप देखेंगे जितना भी सिलेक्टेड है ये आपको ये बोलता है सिलेक्ट करने के लिए, बस ऐसे सिलेक्ट करना होता है, देखिए ये गायब हो जाता है। तो ये इतना नीट एंड क्लीन फोटो है दोस्तों, अगर आप इसको देखेंगे पहले कैसा था तो देखिए इतने सारे लोग थे और जादू के बाद कुछ इस तरह का दिखता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया। आपके मोटोरोला मोबाइल में ऐसा हो रहा है दोस्तों जरूर से चेक कीजिए, नहीं हो रहा होगा। और एक डिमांड जरूर होता है कि लाइव वॉलपेपर बताने के लिए, तो जरूर से बताएंगे कि लाइव वॉलपेपर आप कहां देख सकते हैं। आप पर्सनलाइज में जाएंगे और इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको मिल जाता है डायनेमिक वॉलपेपर का कॉन्सेप्ट, जिसमें लाइव वॉलपेपर आपको भर भर के मिलता है, बस आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। और जो सबसे कमाल का लाइव वॉलपेपर मेरे को लगता है वो ये है मैजेंटा वाला, बस इसको आपको क्लिक कर देना और कुछ नहीं करना है, सेट कर देना है एज अ वॉलपेपर। और जैसे ही आप इसको सेट कर देंगे तो आप देखेंगे कि कमाल का आपका वॉलपेपर बन जाएगा, देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ ये आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये आता है 99 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स के साथ, जिसको अगर आप जान जाएंगे तो आप इसने इस मोटोरोला मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। और चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें आपको कितने सारे AI फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो अगेन आपको कहाँ जाना है, सेटिंग्स में जाना है, वॉलपेपर में जाना है, और यहाँ पर आप देखते हैं क्रिएट विद AI का आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है मैजिक कैनवास के रूप में। तो मैंने क्या दिया आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, अ रिवर विथ माउंटेन्स एंड अ हाउस इन ब्राइट मूनलाइट। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। तो ऑब्वियसली हम लोग जनरेट इमेज पर टच कर देंगे तो सबसे पहले ये क्या देखेगा, कनेक्शन है या नहीं है, उसके बाद कंटेंट को चेक करेगा। जी हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। AI अगर आप चाहते हैं कि आपके मोटोरोला मोबाइल में काम करे तो इंटरनेट कनेक्शन या वाईफाई कनेक्शन या फिर डेटा कनेक्शन होना चाहिए। फिर चेक कंटेंट करता है और देखिए जनरेट कर रहा है, तो कंटेंट कितना आपने लिखा है उसके अनुसार ये जनरेट करेगा। और देखिए कितना बढ़िया ये जनरेट कर देता है, रिवर है, माउंटेन है, ब्राइट लाइट है, हाउस है। इसको सेट करना है तो आप यहाँ सेट एज वॉलपेपर कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल रॉयल्टी फ्री है, यानी कि इस पे आपका अपना कॉपीराइट है, कोई इस पे कॉपीराइट नहीं कर सकता क्लेम। और एक बार आपने अपना वॉलपेपर सेट कर लिया तो आप जैसे ही पर्सनलाइज में बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको और भी बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें थीम्स है, फॉन्ट्स है, कलर्स है, आइकन शेप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अतरंगा आइकन शेप चाहिए तो देखिए यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, इस तरह का चाहिए तो इस तरह कर सकते हैं, बस आपको सेव कर देना है और देखिए सेव हो जाएगा और आपका सारा आइकन जो है ऐसा बन जाएगा। इसमें आईफोन की तरह आप लॉक स्क्रीन को
कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों, जो कि बहुत बढ़िया बात है। आप देख सकते हैं इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इस पर टाइप करेंगे तो आपको किस तरह का लॉक स्क्रीन पे क्लॉक चाहिए, कंटेंट चाहिए, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको बस इतना सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और एक बार आपने कर दिया तो आपको बैक जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका नोटिफिकेशन आएगा और यहाँ पर आप दो आइकॉन चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ कैमरा रखना चाहें कैमरा रख सकते हैं, चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लेफ्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कैन बारकोड को रखा हुआ है, ताकि लॉक स्क्रीन से आप यहाँ पर कैमरा को इनेबल कर सके और यहाँ पर बारकोड इनेबल कर सके, क्विकली स्कैन करके जो पेमेंट करना चाहें कर सके। आपको मोबाइल के अंदर जाने का जरूरत ही नहीं है। और एक बार लॉक स्क्रीन को आप अच्छे से कस्टमाइज कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले साइज टेक्स्ट मिल जाता है, बड़ा छोटा टेक्स्ट करना हो लेआउट मिल जाता है, 5x5 करना है, 5x4 करना है, 4x6 करना है, जैसा भी करना है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आइकॉन्स का फिंगरप्रिंट एनिमेशन जैसा कि आप जानते हैं तीन आपको मिलता है, एक रेडियल वेव मिल जाता है, एक बूमरैंग मिल जाता है, क्रोमा डायल मिल जाता है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप बैक जाएंगे तो आपको यहाँ साउंड और डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाता है। डार्क मोड करेंगे तो देखिए डार्क मोड में ये चला जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया डार्क मोड में आपका जाता है। एमोलेड पैनल है दोस्तों, इसलिए डार्क मोड कमाल का होता है, मगर वीडियो बना रहे हैं इसलिए भी लाइट मोड में ही रहने देते हैं। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि आपने ये तो नोटिस कर ही लिया होगा कि बैक बटन जो है मेरा यहाँ राइट में कैसे आ गया है, जो कि मोटरोला में कभी नहीं होता है। मोटरोला हमेशा बैक बटन को यहाँ पर लेफ्ट में देता है और स्वैप करने का भी ऑप्शन नहीं देता है, मगर इस फोन में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आना है तो आपको जेस्चर मिल जाएगा, इसके बाद सिस्टम नेविगेशन मिल जाएगा, और जब आप 3 बटन यूज कर रहे हैं तो इसके पास आपको सेटिंग्स में जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब स्वैप का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट बटन अगर आपको लेफ्ट में चाहिए, अगर लेफ्ट हैंडर है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट में चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको तलब लगता है कि नहीं आईफोन की तरह मेरे को जेस्चर चाहिए जिसमें बटन होता ही नहीं है, केवल जेस्चर होता है, यानी कि होम बटन भी नहीं होता है, बैक और रिसेंट तो होता ही नहीं है, तो ऐसा चाहिए तो आपको बैक जाकर 3 बटन की जगह जेस्चर नेविगेशन में बस टच कर देना, और देखिए ये बटन गायब हो जाएगा, यहाँ पर एक बार आ जाएगा। इसके भी सेटिंग्स को अगर आपको देखना हो तो आप इसमें जाकर सेटिंग्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मगर ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे ये काम कैसे करता है, तो बिल्कुल बढ़िया से बताएंगे दोस्तों। मैजिकल टेक गुरु का आप सब्सक्राइबर है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कहीं से सीखने की जरूरत नहीं। नीचे से ऊपर से स्वाइप करेंगे, देखिए मक्खन की तरह होम स्क्रीन पर आ जाता है। फिर आपको मन करता है कि बैकग्राउंड के जितने भी एप्स हैं उसको आप कैसे एक्सेस करेंगे, तो आपको बस नीचे से ऊपर से स्वाइप करके लाना है, बीच में छोड़ देना, और देखिए सारे के सारे एप्स यहाँ पर आ जाते हैं। फिर आपको लगता है कि इनको उड़ाना है तो इस तरह से आप मस्ती से उड़ा भी सकते हैं। अब रिसेंट कैप आपने देख लिया, होम बटन देख लिया, बैक जाना हो तो कैसे जाएंगे, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। बैक जाने के लिए किसी भी एस से बस अंदर की ओर ऐसे करना है, देखिए बैक बटन बन जाता है, बैक चले जाते हैं। राइट से भी आप अंदर करेंगे, देखिए बैक बटन बन जाता है, बैक चले जाते हैं। फिर आपको मन करता है कि बैकग्राउंड के जितने भी एप्स हैं एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो बस यहाँ पर आपको बार मिलता है, बस ऐसे ऐसे करते जाए, देखिए एक ऐप से दूसरे ऐप में कितना आसानी से नेविगेट कर रहे हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं ये जो बार है ये भी मेरे को नहीं देखना है, तो ऑब्वियसली आपको जेस्चर नेविगेशन के सेटिंग्स में आना है और ये जो बार वाला है इसको हाइड कर देना है। देखिए बार यहाँ से गायब हो जाता है, मगर काम वही करेगा, नीचे से ऊपर स्वाइप कीजिए, देखिए आप मक्खन की तरह होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब जेस्चर में आप देख सकते हैं सिस्टम नेविगेशन नीचे आपको साइड बार देखने को मिल जाता है, जिसको बस यहाँ से आपको इनेबल कर देना है। काम कैसे करता है, बस ऐसे कीजिए, देखिए साइड बार जो है निकल के आ जाता है। शुरू में आपको बताएगा ऐसे ऐसे करना है, बस आपको बस ओके ओके कर देना और देखिए यहाँ पर आ जाता है। अब इसका खासियत क्या है दोस्तों, तो जैसे ही आप टैप करेंगे कोई भी ऐप को तो ये फ्लोटिंग विंडो में खुलेगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका कान पकड़ के आप इस फ्लोटिंग विंडो को कहीं भी स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं। फिर आपको लगता है इसको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से कोई भी एज पकड़ के देखिए इसको आप छोटा कर सकते हैं, देखिए छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और सबसे बड़ा करेंगे तो फुल स्क्रीन में भी आ जाएगा। फिर इसको फ्लोटिंग विंडो में लाना हो तो यहाँ आपको रिसेंट में जाना है, यहाँ ऐप में जाना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ्रीड फ्रॉम यानी कि फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन फिर से देखने को मिल जाता है। फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे को भी कुछ काम करना है बैकग्राउंड में, इसको बैकग्राउंड में रहने देते हैं, तो यहाँ मिनिमाइज कर दिए, देखिए बैकग्राउंड में यहाँ छिप जाएगा, और जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, और देखिए यहाँ पे छिपा रहेगा। फिर आपको लगता है इसका जरूरत है तो इसको आप ऐसे खींच के ला सकते हैं, फुल स्क्रीन करना हो तो यहाँ से भी फुल स्क्रीन कर सकते हैं, क्लोज करना हो तो यहाँ से फटाक से क्लोज भी कर सकते हैं। फ्लोटिंग विंडो का एक और खासियत है दोस्तों, इसको आप ऐसे करेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ से आप ऐसे करके इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए बोलेगा कि ये फुल स्क्रीन में लाना है, और ऊपर करेंगे तो बोलेगा स्प्लिट स्क्रीन में लाना है, तो देखिए आधे में स्प्लिट स्क्रीन में ही आ जाता है, आधे में सेटिंग्स आ जाता है, और बीच में आपको यहाँ पर एक डिवाइडर मिल जाता है जो बताता है कि आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए आप इसको बड़ा करना चाहें तो इसको बड़ा कर सकते हैं, इसको बड़ा करना चाहें तो इसको बड़ा कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करना हो तो जिसको भी ऊपर कर दीजिएगा, जैसे ये कर देंगे तो पूरा फुल स्क्रीन में आ जाएगा। फिर से इसको स्प्लिट स्क्रीन में लाना हो तो क्या करेंगे, अगेन आपको रिसेंस में जाना है, यहाँ आइकॉन में जाना है, और यहाँ पर स्प्लिट टॉप कर दीजिए, देखिए टॉप पे चला जाएगा, बॉटम में आपको जो भी लेना है, जैसे आपको इसको करना है तो आप इसको कर सकते हैं, मगर ये अलाउड नहीं है, तो आप चाहें तो किसी और ऐप को कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। देखिए ऊपर में फोटो आ जाता है, नीचे में प्ले स्टोर आ जाता है। अब साइड बार के बाद आप देख सकते हैं आपको 100 मोड भी देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से इनेबल करना है, मगर ये क्या है तो हो ही नहीं रहा है। इसलिए नहीं हो रहा दोस्तों क्योंकि ये जो है नेविगेशन में नहीं काम करता है बटन वाले, ये आपको जेस्चर में ही काम करेगा। तो एक बार आपको जेस्चर में चले जाना है, बैक जाना है, यहाँ पर 100 मोड में जाना है, देखिए अब यहाँ से इनेबल हो जाएगा। अब 100 मोड में काम कैसे करेगा आपको मोबाइल, तो बस ऐसे आपको कर देना है, देखिए 100 मोड में आ जाता है, यानी स्क्रीन जो है छोटा होकर नीचे आ जाता है, क्योंकि अंगूठा कहाँ ऊपर जाएगा दोस्तों अगर आप एक हाथ से यूज करेंगे तो। मगर यहाँ से देखिए अंगूठा फटाक से यहाँ पे बैक भी चला जाता है, आपको जो मन है वो कर सकते हैं, यानी 100 मोड में ही आ जाता है, एक हाथ से आप सारा काम कर सकते हैं। और आपको लगता है कि 100 मोड का काम हो गया तो कहीं भी टैप कर दिया, देखिए फुल स्क्रीन में फटाफट से चला जाएगा। स्प्लिट स्क्रीन का मैंने आपको बताया, तो फिर से मैं
बता देता हूँ, एक और तरीका है स्प्लिट स्क्रीन करने का, स्वाइप टू स्प्लिट आप कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है दोस्तों, तो बस आपको ऐसे करके ऐसे कर देना है और देखिए स्प्लिट स्क्रीन में आ जाता है, बाकी में आ जाता है, किसी भी ऐप में बस ऐसे ऐसे कर दीजिए, देखिए स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाता है, तीन फिंगर से बस कहीं भी आपको टैप करके रखना है, देखिए स्क्रीनशॉट ले जाता है। क्विक शेयर करना है, देखिए यहाँ से क्विक शेयर भी कर सकते हैं। अदरवाइज वेरियस ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जरूर से यूज कीजिए, बहुत ही हैंडी फीचर है, मजा आ जाता है। इसके बाद आपको लगता है कि पावर बटन को दो बार जल्दी जल्दी प्रेस करें तो कैमरा हो जाए, यानी कि आपको मोबाइल में तुरंत कैमरा ओपन करना है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो फटाफट से यहाँ से दो बार जल्दी जल्दी ऐसे कर दीजिए, देखिए आपका कैमरा इनेबल हो जाता है। तो कोई भी शॉट आपको लेना हो तो आपको मिस नहीं होगा, जैसे ही आपको लगेगा कि कैमरा इनेबल करना है बस दो बार फटाफट से दबा दीजिए। अब दोस्तों दो बार दबाते हैं तो ये होता है, एक बार अगर दबाते हैं तो क्या होता है, तो आप दबा के देखते हैं और देखते हैं ये क्या कुछ ऐसा आ जाता है जो बड़ा अजीब सा चीज है, क्या आ रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, आप नहीं चाहते हैं ये सब, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आप चाह रहे थे पावर बटन आए, रीस्टार्ट बटन आए, मगर ये सब क्या आ गया, तो ऐसा आपको नहीं चाहिए, तो आपको बस इसके अंदर जाना है और यहाँ पर पावर मेनू को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब देखिए आप एक बार दबाइएगा तो बिल्कुल पावर मेनू ही आएगा, यानी कि रीस्टार्ट पावर ऑफ ही आएगा। अब इसी में अगर आप वापस जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है क्विक लॉन्च का। क्विक लॉन्च क्या करता है दोस्तों, तो बैक में आप दो बार फटाफट से टैप कीजिए और देखिए क्या होता है, वही होगा दोस्तों जो आपको मंजूर होगा। यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है और कोई भी जो सिलेक्ट करना है, जैसे कि आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट ले तो बस ऐसा एक स्क्रीनशॉट पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए बैक टैप करेंगे फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेगा इस तरह से, या फिर आप किसी ऐप को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन ऐप भी कर सकते हैं। फिर से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे क्विक कैप्चर भी आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि बस आपको ऐसे ऐसे दो बार टाइप करना है और कैमरा जो है फटाक से इनेबल हो जाता है। फिर से दो बार ऐसे ऐसे करेंगे तो बैक कैमरा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करेंगे फ्रंट कैमरा हो जाएगा। वापस से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे क्विक कैप्चर हुआ तो फास्ट टॉर्च आ जाता है, यानी कि ऐसे ऐसे कराटे चॉप मोशन आप करेंगे तो आपका पीछे का फ्लैश जो है फट से ऑन हो जाएगा, फिर से ऐसे करेंगे फट से ऑफ हो जाएगा, यानी कि आप कहीं जा रहे हैं अंधेरे में तो फटाफट से ऐसे करके फ्लैश को ऑन कर लीजिए, फटाफट से ऐसे करके फ्लैश को ऑफ कर लीजिए। फोन को जैसे ही आप हाथ में उठाते हैं तो आप चाहते हैं अनलॉक हो जाए, तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसे कर लेना है इनेबल करके। आप देखिए फोन को जैसे ही आप ऐसे उठाएंगे तो ये मांगेगा अनलॉक करने का, चाहे फेस दे दीजिए चाहे फिंगरप्रिंट दे दीजिए, जो मन का है वो दे सकते हैं। फिर से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, फोन को बस पलट के रख दीजिए, ये डू नॉट डिस्टर्ब मोड में चला जाएगा, बस इसको यहाँ से इनेबल कर लेना है, यानी कि कोई भी मैसेज आ रहा है कॉल आ रहा है तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और अगर आप मीटिंग में है तो आपको एम्बेरेस भी नहीं करेगा। और फ्लिप नहीं करना चाहते हैं तो पिकअप टू साइलेंस कर सकते हैं, यानी कि फोन को जैसे ही आप हाथ में उठाएंगे फोन साइलेंट मोड में आ जाएगा, अगर गलती से आप किसी मीटिंग में है आपका फोन बज जाता है या नोटिफिकेशन आता है टन टन आवाज होता है तो। अब दोस्तों आप गौर कर रहे होंगे कितना बढ़िया यहाँ पे क्लॉक का विजेट है, नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो देखेंगे दो और कमाल का विजेट है, ये तो और कमाल का है दोस्तों। इस पर टाइप कीजिए, देखिए कितना बढ़िया से वाइब्रेट करता है और तरंगे निकलती हैं इसमें से और बताता है कि क्या चल रहा है अभी। आप सेटिंग्स में जा सकते हैं, फिर देखिए यहाँ पर आपको डेट दिखाता है, टाइम दिखाता है, फिर से करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिखाता है। तो इस तरह का आपको चाहिए या फिर इस तरह का चाहिए, अगर आप इस पर लॉन्ग टैप करके रखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं, देखिए ट्रांसफॉर्म हो जाता है कितना बढ़िया, डेट में कैलेंडर में बैटरी का परसेंटेज बताता है, एक यूआई बताता है और यहाँ पर टेम्परेचर और जगह का नाम भी बताता है। और ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, ये जो विजेट है ये भी ऐसा ही आता है। आप देखिए यहाँ से करते हैं तो लोकेशन आ जाता है, यहाँ से करते हैं तो देखिए स्टोरेज खुल जाता है, यहाँ से करते हैं तो बैटरी खुल जाता है, बिना किसी अंदर जाए हुए, बिना किसी परेशानी के। तो ये सब अगर आपको चाहिए दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको स्क्रीन पर कहीं भी लॉन्ग टैप करके रखना और आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाता है, जिसमें आपको विजेट्स को चुनना और इतना सारा विजेट है जिसको भी आप चुनना चाहे चुन सकते हैं और इस तरह का बना सकते हैं। और इसी में कमाल का चीज आपको और क्या मिलता है, अगर आप ऐसे करते हैं तो आप होम स्क्रीन के सेटिंग्स में भी देखिए यहाँ से चले जाते हैं, जिसमें आप यहाँ पर आइकन साइज को और ऐप लेवल को कस्टमाइज कर सकते हैं। हालांकि एक और बहुत बढ़िया चीज है कस्टमाइज करने के लिए, अगर आप अपने होम स्क्रीन पे होते हैं यहाँ राइट स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं यार ये क्या है, कोई पेज आ जाता है जो काफी सारा डेटा लोड करता है, आपका बैटरी चूसता है, मोबाइल को गर्म करता है, आप नहीं चाहते ऐसा ना है, तो आप इसको डिसेबल कैसे करेंगे, तो होम स्क्रीन की सेटिंग्स ही करेंगे। चलिए दूसरे तरीके से होम स्क्रीन सेटिंग जाते हैं, सेटिंग्स में जाएंगे, होम लॉक स्क्रीन में जाएंगे, यहाँ पर भी आप देखिए होम स्क्रीन सेटिंग में डायरेक्ट जा सकते हैं, बस इसमें आपको स्वाइप एक्सेस में जाना है और यहाँ पर नथिंग कर देना है, नथिंग फोन नहीं दोस्तों, ये नथिंग ऑप्शन है। अब देखिए क्या होगा, राइट स्वाइप करते रहिए, कुछ भी नहीं होगा, कोई अनवांटेड चीज नहीं आएगा। अच्छा एक कमाल का चीज आपके इस मोटोरोला मोबाइल में आपको देखने को मिलता है, आप ऐसे करते हैं तो देखिए यहाँ से नोटिफिकेशन आता है जिसको आप पूरा दीजिएगा, देखिए ब्लैंक हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि अरे क्विक टॉगल कहाँ गया, तो क्विक टॉगल लाने के लिए नोटिफिकेशन से आपको राइट स्वाइप करना और देखिए क्विक टॉगल आ जाता है। क्विक टॉगल डायरेक्ट चाहते हैं तो बस यहाँ राइट से ऐसे कीजिए, देखिए क्विक टॉगल आ जाता है। ये बात और है कि आपके मोबाइल में इस तरह का बढ़िया क्विक टॉगल नहीं आ रहा होगा, जो आपको लग रहा होगा आईफोन से कॉपी किया गया है, हालांकि कॉपी भी किया गया दोस्तों कुछ अच्छा चीज है तो बढ़िया ही है, मगर आप तो ये जरूर बोल रहे होंगे कि आपके फोन पे क्यों नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा दोस्तों। आपको यहाँ पर अपने सेटिंग्स में जाना है, होम लॉक स्क्रीन में जाना है और कंट्रोल सेंटर में जाना है और आपको देखना है कि यहाँ पर क्लासिक स्टाइल की जगह आप मॉडर्न स्टाइल को सिलेक्ट कर ले, और एक बार ऐसा आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मॉडर्न वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है जो कमाल का है। इसमें अगर आपको म्यूट करना हो तो देखिए यहाँ पर बटन बस यहाँ टाइप कीजिए, देखिए म्यूट हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस चाहिए तो बस यहाँ पर टाइप करिए, देखिए ऑटो ब्राइटनेस में आता है, फिर से टाइप करेंगे देखिए फुल ब्राइटनेस में आ जाएगा, ये आप घटा बढ़ा सकते हैं। अनम्यूट करना हो बस यहाँ टाइप कीजिए, देखिए अनम्यूट हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइम दिखा रहा है, इस पर टाइप कीजिए आप सीधा क्लॉक ऐप में चले जाते हैं, आपको कहीं भी अंदर जाके खोजने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपको कैलेंडर ऐप भी ऐसा ही मिल जाए तो यहाँ कैलेंडर इस पर टाइप कीजिए, देखिए सीधा कैलेंडर ऐप में आप आ जाते हैं। फिर आपको मन करता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग करना है तो बस यहाँ से लॉन्ग टैप करके रखना है। देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के आप सेटिंग्स में जाते हैं जिसमें व्यू फाइंडर का साइज आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल या लार्ज जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। रेजोल्यूशन 180p हाई में ही रखिए। 30fps 60fps फ्रेम पर सेकंड होना चाहिए तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। डायनेमिक चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। तो इसके बाद आप चाहते हैं कि आप जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय आप चाहते हैं कि जहां जहां टच करें वो भी रिकॉर्ड हो जाते हैं, रिकॉर्ड टच पॉइंट्स को भी आपको इनेबल कर देना है। अब देखिए मक्खन की तरह आपका स्क्रीन का रिकॉर्डिंग होगा। स्क्रीनशॉट का भी आपको ऑप्शन यहां पर देखने को मिल जाता है। खास यहां पर फीचर आपको GIF मेकर का देखने को मिल जाता है। बस ऐसे आपको टाइप करना है, पहली बार में ये बोलेगा अलाउ करना है, अलाउ करने दे दीजिए, स्टार्ट कीजिए तो देखिए आ जाता है। बस यहां से आपको इसको कस्टमाइज कर लेना है कि कितना बार आप चूज जाइए और देखिए ये जो एनिमेशन है इसको ये रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। बस ये रिकॉर्ड बटन को आपको यहां से प्रेस कर देना है तो देखिए रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, तो ये जो मूवमेंट है क्लॉक का ये रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। बस यहां से आपको स्टॉप कर देना है और देखिए ये बताएगा प्रीव्यू में कि कैसा रिकॉर्डिंग हुआ है। तो कोई मीम हो, कोई बढ़िया सा आपको वीडियो हो जिसको आप छोटा बनाकर अपना मीम बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से GIF मेकर का यूज कर सकते हैं। और कंट्रोल सेंटर में आप देख सकते हैं आपको कमाल का फीचर यहां पर स्मार्ट कनेक्ट के रूप में देखने को मिल जाता है जिसको बस आपको गेट स्टार्टेड कर देना है। और आप अपने इस डिवाइस को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, टैबलेट से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने PC से कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। और जो कंटेंट आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं वो सारे को यहां से देख सकते हैं, यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं, यहां से एक्सेस कर सकते हैं, यानी एप्स को आप यहां पर स्ट्रीम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐप कैसे आपके मोबाइल से लैपटॉप में आ जाता है या PC में आ जाता है। आगे जाएंगे तो आप देखेंगे क्रॉस कंट्रोल कर सकते हैं यानी माउस का आप यूज कर सकते हैं और हर एक में आप सेम माउस को यूज कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपने किसी भी कंटेंट को, मैसेज यहां टाइप कर सकते हैं, सेंड इससे कर सकते हैं, रिसीव इसमें कर सकते हैं, यानी कि टैबलेट में करें, PC में करें, डेस्कटॉप में करें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको शेयर हब मिल जाता है यानी आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया फोटो को आप शेयर कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे अपने डेस्कटॉप से लैपटॉप पे, लैपटॉप से मोबाइल पे, मोबाइल से डेस्कटॉप पे। बस यहां से आपको ओके कर देना है। कुछ परमिशन चाहिए होगा तो ऑब्वियसली आपको परमिशन दे देना है जिसमें ब्लूटूथ और लोकेशन मस्ट है। और आप देख सकते हैं ऐप शेयर कर सकते हैं, मोबाइल डेस्कटॉप कर सकते हैं, फोन ऑन PC कर सकते हैं, अपने इस मोबाइल को 32 मेगापिक्सल के कैमरा को आप वेबकैम बनाना चाहते हैं, 50 मेगापिक्सल के वेबकैम बनाना चाहते हैं तो आप यहां से बना सकते हैं। तो जरूर से इस फीचर को यूज कीजिए जिसको स्मार्ट कनेक्ट कहा गया है मोटोरोला में। मजा आ जाएगा आप जैसे ही यूज करेंगे इसको। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो अगर आप बैटरी में जाएंगे देखिए कितना आसानी से हम बैटरी में चले जाते हैं, आपको कहीं भी अंदर जाने की जरूरत नहीं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पहला चीज तो ये है कि चार्ज बूस्ट को जरूर से इनेबल करके रखिए ताकि ये फास्ट चार्जिंग को इनेबल कर दे और आपका मोबाइल फटाफट से चार्ज हो जाए। मगर फटाफट से चार्ज होने में रिस्क ये रहता है कि रात में आप सोते हैं मोबाइल को चार्ज करके और रात भर बैटरी चार्ज हो जाता है, ओवर चार्ज हो जाता है, फिर बैटरी बोलते हैं आपका खराब हो जाता है, मोबाइल गर्म होता है। तो ओवर चार्ज प्रोटेक्शन को भी यहां से इनेबल कर लीजिए। 80% के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका बैटरी चार्जिंग को स्टॉप कर देगा ताकि आपका मोबाइल ओवर चार्ज ना हो, ओवर हीट ना हो और लॉन्गर रन में आपका बैटरी जो है ज्यादा रन करे। इसके बाद आप बैग आएंगे तो आप देखेंगे ऑप्टिमाइज चार्जिंग का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जरूर से इनेबल कर लीजिए ताकि ये आपके पैटर्न को समझ ले और आपके चार्जिंग को ऑप्टिमाइज कर दे ताकि कम समय में ज्यादा ज्यादा चार्ज हो और बैटरी गर्म ना हो, मोबाइल गर्म ना हो और बैटरी और मोबाइल का लाइफ बढ़े। मगर लाइफ से ज्यादा है दोस्तों यहाँ पर बैटरी कितना है तो पता ही नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जरूर पता चल रहा है 71% है मगर यहाँ क्यों नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ से आपको इनेबल करना होता है। और आप देख सकते हैं 71% बैटरी अभी आपका चार्ज है। अब दोस्तों बढ़ते हैं एक बहुत ही बढ़िया हिडन सेटिंग की तरफ, क्योंकि सेटिंग्स में आप जाएंगे सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे सिस्टम में आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए। क्योंकि स्मार्ट ऐप लॉन्च इनेबल करते ही आपका जो ऐप का यूसेज है, पैटर्न है, वो समझ जाएगा आपको मोबाइल और क्विकली लॉन्च करेगा आपके ऐप को। एडिटिंग ऐप यूज करते हैं जिसमें अचानक से रैम का जरूरत पड़ जाता है तो आपका रैम कम पड़ जाएगा तो आपका गेम स्लो हो जाएगा, ऐप एडिटिंग स्लो हो जाएगा, तो यहां से वो 8GB आपका उठा लेगा, टोटल 16GB रैम हो जाएगा तो आपका कम से कम काम हैम्पर नहीं करेगा। और इस मोटोरोला मोबाइल में आपको ऐप क्लोनिंग यानी डुअल ऐप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कहां मिलता है तो आपको सेटिंग्स में आना है, ऐप्स में आना है और यहां पर आप देख सकते हैं आपको क्लोन ऐप यानी डुअल ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कैसे करेंगे तो देखिए यहां पर व्हाट्सएप आपको पहले ही से बताया जाता है जो क्लोन हो सकता है, बस यहां पर आप उसको प्लस कर देना है और देखिए बोलता है क्रिएट कर रहा है डुअल ऐप को और एक बार कर देगा तो ये बताएगा कि हां क्रिएट हो चुका है। ऑब्वियसली कहां देखेंगे क्लोन ऐप को, तो ऑब्वियसली आपको अपने ऐप ड्रॉन में जाना है और व्हाट्सएप में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये आपका ओरिजिनल व्हाट्सएप है, ये आपका डुअल व्हाट्सएप है। पहचान कैसे है तो यहां पर देखिए छोटा सा ग्रीन कलर का आइकॉन बन जाता है। अब दोस्तों इसका फायदा क्या आप तो जानते हैं कि एक ही मोबाइल में दो दो आपका ऐप बन जाता है। आप देखिए यहां प्ले स्टोर का भी है डुअल ऐप बना देता है, कॉन्टैक्ट का भी देखिए डुअल ऐप बना दिया है, खुद खुद बना रहा है पता नहीं कैसे, चलिए उसको डिटेल में देखेंगे। मगर फायदा क्या आप जानते हैं, एक ही मोबाइल में दो दो व्हाट्सएप यूज किए वो भी दोनों डिफरेंट अकाउंट्स है, यानी दो व्हाट्सएप के लिए आपको दो मोबाइल का जरूरत नहीं है। अब ऐप क्लोन या डुअल ऐप के अपार सफलता के बाद आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपको ऐप हाइड का ऑप्शन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। बिल्कुल मिलता है दोस्तों, मगर दूसरे तरीके से। आपको इस मोटो ऐप में जाना है,
नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको मोटो सिक्योर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सिक्योर फोल्डर देखने को मिल जाता है, कंटिन्यू करना है। ये आपको बताता है कि आपके एप्स को, मीडिया को, फाइल्स को सिक्योर फोल्डर में प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल सही बात है, एनक्रिप्टेड वे में प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट जाएंगे तो बोलेगा डिस्गाइज्ड आइकन आपको देखने को मिलता है, कैसे होता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको गूगल अकाउंट और सिक्योर फोल्डर का पावर देखने को मिलता है, कैसे, तो आपको बस लॉगिन कर लेना है। और एक बार इस तरह से अगर आप लॉगिन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है कि जो सिक्योर फोल्डर है उसको लॉक कैसे करेंगे। तो चलिए पैटर्न ही यूज कर लेते हैं, मेरे को तो बढ़िया लगता है ये पैटर्न। फटाक से इसको ऐसे कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, फिर से ऐसे कर देंगे। मैं तो छोटा दे रहा हूँ दोस्तों, आप कुछ तरकता भरकता दीजिएगा ताकि कोई गेस ना कर सके, कंफर्म कर दीजिए। फिर ये बोलेगा फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं मगर लेटर करेंगे, आप अभी कर दीजिएगा, आपको मन है तो। आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइल आ जाता है जो कि सिक्योर फोल्डर में, आप देख सकते हैं सिक्योर फोल्डर में जो भी फाइल है, फोल्डर है, इमेज है, एप्स है, उसको सिर्फ आप देख सकते हैं, दुनिया का कोई भी थर्ड पार्टी ऐप बाहर का या थर्ड इंसान नहीं देख सकता है। इतना अच्छा इंक्रिप्टेड वे में होता है। और सिक्योर फोल्डर का एक खासियत और है दोस्तों कि सिक्योर फोल्डर में अगर आप कोई भी ऐप को रखते हैं तो वो आप सिर्फ देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता है। यानी कि अगर आप किसी ऐप को हाइड करना चाहते हैं तो उसको सिक्योर फोल्डर में रख दीजिए। एक्सेस कैसे करेंगे, तो आपको सिक्योर फोल्डर में जाना है, जो पैटर्न आपने दिया है वो पैटर्न दे देना है, देखिए सिक्योर फोल्डर में आप आ जाते हैं। और सिक्योर फोल्डर का टाइम आउट को जरूर से आप इनेबल कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि सिक्योर फोल्डर में जाकर आप कहीं भूल गए, कोई जाकर उसमें कुछ आंख झांक करके देख ना ले, तो जरूर से एक मिनट तो कर ही दीजिए ताकि एक मिनट बाद ऑटोमेटिकली आपका सिक्योर फोल्डर जो है वो टाइम आउट होकर लॉक हो जाए। फिर इस मोटो में जाएंगे, मोटो सिक्योर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पिन पैड स्क्रैम्बल का, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था। आपका 1 2 3 4 5 6 था दोस्तों, बस यहां से इनेबल कर दिए, देखिए उल्टा पुल्टा हो जाएगा, 4 9 5 4 3 ऐसा ऐसा हो जाएगा, और इस तरह से बार बार होता रहेगा ताकि कोई भी गेस ना कर सके कि आपका पिन क्या है, क्योंकि उल्टा पुल्टा कोई देखेगा तो कहां से गेस कर पाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जरूर बताना है कि कौन से आपके बैंकिंग ऐप में इस तरह का पिन पैड स्क्रैम्बल यानी उल्टा पुल्टा पिन देखने को मिलता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मोटो सिक्योर में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है फाइंड माई मोबाइल का, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना है ताकि आपका मोबाइल जो है कहीं खो जाए या गुम हो जाए या कहीं आप रख दिए हैं तो आपका मोबाइल में नेटवर्क ना हो। तो ऑफलाइन फाइंडिंग भी इसमें होता है, ऑनलाइन फाइंडिंग भी इसमें होता है, बस आपको किसी और डिवाइस में इसी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है और वो आपको बता देगा एग्जैक्टली आपका मोबाइल कहां पर है, चाहे चोर चोर किया हो या फिर आप कहीं रख दिए हो, भूल गए। और मोटो सिक्योर में एक कमाल का फीचर आपको सिक्योर फोल्डर में देखने को मिलता है। अगर आप इसमें जाएंगे, यहाँ पे 3 लाइन्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको डिस्गाइज्ड आइकॉन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इनेबल कर लेना है। अब आप अपने ऐप ड्रॉअर में अगर सिक्योर फोल्डर लिखेंगे तो कोई भी उसमें जाके कोशिश करेगा देखने का दोस्तों, कहीं से पैटर्न जान लेगा तो। मगर उसको अगर आप बर्गर बना दीजिएगा यानी कि ये बुर्गेरे बना दीजिएगा तो क्या होगा। अब देखिए आप अपने ऐप ड्रॉअर में जाते हैं, मगर जाने से पहले यहाँ पर जरूर टाइप कर दीजिए कोई भी एक नाम। तो चलिए बुर्गेर ही दे देते हैं, BURGER बुर्गेर देखे, बस आपको ओके कर देना है। अब देखिए आप अपने ऐप ड्रॉअर में जाएंगे तो क्या आप देखेंगे, तो आप अपने ऐप ड्रॉअर में जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं ये बुर्गेर है, मगर बुर्गेर पर जैसे ही आप टच करेंगे तो आप देखेंगे ये तो आपका सिक्योर फोल्डर है। और अभी इसलिए खुल गया क्योंकि 1 मिनट का आपने टाइम आउट दिया हुआ है, 1 मिनट बाद आप खोलेंगे तो ये आपसे पैन मांगेगा, पैटर्न मांगेगा, फिंगरप्रिंट मांगेगा। अब चलिए बढ़ते हैं एक बहुत ही खतरनाक हिडन फीचर की तरफ। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है तो आप देखेंगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी देखने को मिलेगा। इसमें सबसे नीचे आएंगे, मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी में आएंगे, अगेन इसमें सबसे नीचे आएंगे तो ऐप पिनिंग आएगा, जिसको बस आपको यहां से इनेबल कर लेना है, ओके कर देना है, और आस्क फॉर पिन बिफोर पिनिंग इसको भी आपको इनेबल कर देना है। आप सोच रहे होंगे कि इसको मैं इनेबल क्यों करवा रहा हूं, तो दोस्तों आप अपना फोन किसी को देते हैं, एग्जांपल के लिए किसी को फोटो देखना हो तो अपना फोटो एल्बम यानी कि फोटोज ऐप खोल के देते हैं, वो फोटो देखता है, फिर आपको लगता है कि अच्छा चाय बना के लाते हैं, चाय बनाने आप जाते हैं तो वो फोटो के अलावा आपका सब कुछ देखना शुरू कर देता है, आपका बैंक ऐप खोलना शुरू कर देता है, आपका जीमेल खोलना शुरू कर देता है, और आप उसको देखते हैं चुपके से तो आपको लगता है यार ये तो भरोसे के लायक ही नहीं है। तो अगली बार अगर आप फोन किसी को देना है, किसी ऐप में देना है, तो उस ऐप में पिन करके दीजिए। फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। तो फोटोज में देना है मान लीजिए, तो फोटोज ऐप को ओपन करके दे दीजिए, मगर उसके पहले आपको ये रिसेंट्स में जाना है, ऐप आइकॉन में जाना है, और यहाँ पर पिन का ऑप्शन है, इसमें जाके पिन कर देना है। तो देखिए बोलता है ऐप पिन है, गॉट इट कर दीजिए। तो आपका दोस्त जो है फोटो चुपचाप से ऐसे करके देखेगा और आप देखे इंतजार करेगा कि आप चाय बनाने कब जाते हैं। आप जैसे ही चाय बनाने जाएंगे तो खोजेगा, चलो होम बटन के थ्रू जाते हैं होम स्क्रीन पर, जल्दी से देख लेते हैं आपका जीमेल या आपका बैंकिंग, मगर ये बोलेगा अरे ये कि आप तो जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपको टच एंड होल्ड करना है बैक और रिसेंट्स को। फिर उसको लगेगा अच्छा ठीक है रिसेंट्स में जाके देख लेते हैं, तो फिर वो कुछ नहीं होगा। बैक जाने बोलेगा तो भी कुछ नहीं होगा, हाँ लेकिन अंदर में वो जो चाहे वो कर सकता है। आप देख सकते हैं अंदर में वो कहीं भी जा सकता है, उसको रोक नहीं है, मगर वो बाहर नहीं आ सकता। फिर बोलेगा टच एंड होल्ड बोल रहा है बैक ऑन ओवरव्यू को, तो चलिए ऐसा करके देखते हैं। ऐसा करेगा तो हो जाएगा फोन लॉक, और ये अनलॉक कौन कर सकता है दोस्तों, सिर्फ आप कर सकते हैं। थक हार के वो फोन आपको दे देगा और आप क्या करेंगे अपना फिंगरप्रिंट से फटाक से इसको अनलॉक कर लेंगे। अब आप होम पे जाना चाहें तो देखिए होम पे भी जा सकते हैं, इस तरह से उड़ाना चाहें तो इस तरह से उड़ा भी सकते हैं। और आपके दोस्त का पोपट हो जाएगा, वो बोलेगा यार ऐसा कैसे कर लेते हो, कि ऐसा क्या कर दिए कि ऐप ही पिन हो गया। तो उसको जरूर से बताइएगा मैजिक टेक गुरु के आप सब्सक्राइबर हैं, ऐसे ऐसे मजेदार फीचर्स टिप्स एंड ट्रिक्स आप इन वीडियोस के थ्रू जानते हैं, इसलिए वो भी जल्दी से फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को दबा दे। और अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको मोटोरोला मोबाइल में इससे फायदा होगा, तो वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ जिनके पास मोटोरोला का फोन है। अब एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको ये डायल
फीचर देखने को मिलता है। तो लोग ये कहते हैं कि इसमें कॉल रिकॉर्डिंग है या नहीं है, तो ऑब्वियसली आप सेटिंग्स में जाएंगे, कॉल रिकॉर्डिंग में जाएंगे तो देखेंगे कि हाँ कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो है इसमें, बस ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्ड को आपको यहाँ से इनेबल कर देना है, ऑलवेज रिकॉर्ड कर देना है। मगर आप चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग के समय जो ऑडियो टोन ना बजे, डिस्क्लेमर बजे, तो यहाँ से इसको इनेबल कर देना है, एग्री कर देना है। मगर प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि गूगल वाली आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड तो नहीं बोलेगी, मगर ऑडियो टोन बजाएगी जिससे सामने वाले को पता चलेगा आप कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि गूगल वाली आंटी जो कॉल रिकॉर्डिंग का अनाउंसमेंट करती है या फिर ये ऑडियो टोन बजता है वो ना बजे, तो आप हमारी इस वायरल वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपने मोटोरोला मोबाइल में चुपके से गूगल के डायलर से कॉल को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, भनक भी नहीं लगेगा, और कॉल रिकॉर्डिंग के अनाउंसमेंट को आप डिसेबल कर देंगे, इस ऑडियो टोन को डिसेबल कर देंगे, और आपको ये भी पता चलेगा कि कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ हो रहा है, कहाँ सेव हो रहा है, कैसे आप उसको शेयर कर सकते हैं, कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जरूर से इस वीडियो को देखिए, उसका फायदा उठाइए। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि नीचे एडवांस में आपको कॉलर आईडी अनाउंसमेंट देखने को मिलता है, जिसको आपको जरूर से यहाँ से इनेबल कर लेना चाहिए ऑलवेज के रूप में। तो दोस्तों देखिए काम कैसे करता है। तो आप टीवी देख रहे हैं अपने ड्रॉइंग रूम में और मोबाइल आपका चार्ज हो रहा है आपके बेडरूम में, आपको अचानक से कॉल आता है, आप दौड़े दौड़े जाते हैं कि हाँ भाई किसका कॉल है, किसका कॉल है, और जाके देखते हैं तो उधर से बोलता है क्रेडिट कार्ड लेना है बॉस। आप बिल्कुल झन्ना जाते हैं कि कितना बढ़िया मैं बिंज वॉचिंग कर रहा था, वेब सीरीज देख रहा था, और ये बोलता है क्रेडिट कार्ड लेना है बॉस। तो अगली बार से ऐसा नहीं होगा जब आप इस कॉलर आईडी अनाउंसमेंट को इनेबल कर देंगे, जब भी कोई कॉल आएगा नोन नंबर होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर पढ़ के सुनाएगा, यानी आप नंबर जान के समझ जाएंगे लेना है कि नहीं लेना है। नोन नंबर होगा तो वो नाम बताएगा कि इस नाम का है, अगर स्पैम कॉल होगा तो वो बताएगा कि स्पैम कॉल है चिल्ला चिल्ला कर, ताकि आप समझ जाएंगे कि नहीं लेना है। मगर कोई नोन नंबर का आएगा तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा आपको किस नंबर का है, फिर आपको डिसाइड करना है लेना है कि नहीं लेना है। लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो टीवी तो आप देख ही रहे हैं। अब दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स में ऐसा बताता गया कि मैं भूल ही गया कि आपको एआई का टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताना है इस मोटोरोला मोबाइल में। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था वॉलपेपर वाला, दूसरा अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे और इसके साउंड में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर क्रिस्टल टॉक एआई का, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना है। ये काम क्या करता है, तो आपका जो बैकग्राउंड में नॉइज है जब आप कॉल करते हैं तो वो बिल्कुल काट देता है। एप्पल के फोन में आप देखे होंगे आपको ये फीचर देखने को मिलता है, जो कमाल का फीचर है। एग्जांपल के लिए आप समझिए कि आप कहीं मार्केट में है, फिश मार्केट में, और बैकग्राउंड में बहुत सारा आवाज आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप सुन नहीं पाएंगे, सामने वाला भी सुन नहीं पाएगा, क्योंकि इतना डिस्टर्बेंस हो रहा होगा बैकग्राउंड नॉइस के रूप में। तो क्रिस्टल टॉक एआई को बस यहां से इनेबल करके रखिए। अब क्या ही करेगा कि बैकग्राउंड नॉइस को पूरी तरह से कट कर देगा एआई की मदद से, तो सामने वाला आपका आवाज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सुनेगा और आप सामने वाला का आवाज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सुनेंगे। इसके बाद इसमें कमाल का आपको डॉल्बी एटमॉस भी देखने को मिल जाता है, जिसके अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे स्पेशल ऑडियो देखने को मिलता है, जो कि आपको एप्पल आईफोन में देखने को मिलता है। बिलीव कीजिए दोस्तों, छन छन के आवाज आता है स्पेशल ऑडियो में, इमर्सिव वे में आता है। मैं एक बार हॉरर मूवी देख रहा था, मेरे को लगा पीछे से सही में कोई बोल रहा है और मैं फट से डर गया, सो गया। तो स्पेशल ऑडियो का मजा लेना है तो जरूर से आप डॉल्बी एटमॉस में जाके इसको इनेबल कर लीजिए और देखिए मजा आ जाएगा। और साउंड में जैसे ही आप बैक जाएंगे तो एक कमाल का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है मल्टी वॉल्यूम का, जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, बस यहाँ से आपको इनेबल कर देना है। अब देखिए आप मल्टीपल ऐप से अगर गाना सुन रहे हैं, समझिए गाना ऐप से सुन रहे हैं, स्पॉटिफाई से सुन रहे हैं, अमेजन म्यूजिक से सुन रहे हैं, तो तीनों का एक स्लाइडर आपको मिल जाएगा म्यूजिक का, यानी कि आप स्पॉटिफाई की म्यूजिक को इंडिविजुअली इनेबल कर सकते हैं, प्राइम म्यूजिक को कर सकते हैं, गाना को कर सकते हैं, और ओवरऑल तो आप कर ही सकते हैं, जिससे फायदा ये होगा कि हर म्यूजिक ऐप का जो कंट्रोल है वो बिल्कुल आपके हाथ में होगा, अचानक से आपको कहीं ऊपर नीचे करना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आप कस्टमाइज करके रख सकते हैं जिसका कितना आपको आवाज चाहते हैं। इसके बाद एआई का फीचर आपको कहां देखने को मिलता है, तो आपको फोटो में देखने को मिलता है मैजिक इरेजर के रूप में। आपको किसी भी फोटो को ओपन कर लेना है, जैसे कि ये फोटो है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, तो इसको थोड़ा सा ऐसे आप बड़ा कर लीजिए। फिर आप देखेंगे यहां पर आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको देखिए यहां पर मैजिक इरेजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये पहले जो है थोड़ा एनालाइज करेगा और फिर बताएगा कि कैसे आपको इरेज करना है। ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट भी कर लेगा, आप यहां पर देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है इतने सारों को, जिसको आप इरेज ऑल करके इरेज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए आप किसी को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, देखिए उड़ जाता है, फिर आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए ये भी उड़ जाएगा, ये बैग देखिए बच जाता है, तो इस बैग को भी खाली आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए ये बैग उड़ा देगा। इरेज ऑल कीजिए तो देखिए ये इरेज कर देता है, देखिए जितने भी लोगों को सिलेक्ट किया होता है सब उड़ जाते हैं। इस बंदे को भी उड़ा देते हैं, तो देखिए इस बंदे को आपको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है और देखिए बंदे को सिलेक्ट करेगा फटाक से उड़ा देगा। खासियत ये देखिए दोस्तों कि कितना बढ़िया से सीरी को ये रिक्रिएट करता है, आपको पता ही नहीं चलता है यहाँ कोई बंदा था। इनफैक्ट आप आसमान में देखिए, आप यहाँ पर देखिए आसमान कितना बढ़िया से रिक्रिएट किया है, क्या पता चलता है कि यहाँ पर कोई बंदा था जिसको इरेज किया जा चुका है। अब इनको उड़ा देते हैं, पापा की पड़ियां है ये, इनको ऐसे उड़ा देंगे, देखिए ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ये पहले सिलेक्ट करेगा फिर उड़ा देगा, नहीं उड़ाया दोस्तों, जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर से सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं पापा की पड़ी उड़ती है कि नहीं उड़ती है, और देखिए इस बार भी नहीं उड़ी। चलिए इनको उड़ाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये उड़ती है कि नहीं उड़ती है, तो ऐसे सिलेक्ट किए तो ये तो उड़ जाती है। देखिए अब इनको अकेले उड़ाने की कोशिश करते हैं, शायद अब ये उड़ जाए, तो इस तरह से उड़ाने की कोशिश करेंगे, सिलेक्ट हुआ, देखिए उड़ गए। इनका बैग यहीं रह गया दोस्तों, ये घर जाके परेशान हो जाएंगे, इनके बैग को भी उड़ा के इनको दे देते हैं, तो गिली गिली छू 1 2 3 देखिए गायब हो गया। अब देखिए फोटो कैसा हो जाता है, कितना नीट एंड क्लीन हो जाता है, ये गेट आपने कितना बढ़िया से लिया होगा, और अचानक से इतने सारे लोग आ जाते हैं तो आपको लगता है यार फोटो खराब हो गया। तो मैजिक इरेजर के फायदा है दोस्तों, एआई की मदद से देखिए कितना बढ़िया से ये क्लीन कर देता है, सीढ़ियों को रिक्रिएट करता है, बादल को
ऑडियो क्रिएट करता है पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे इतने सारे लोग थे। तो एआई का कमाल है दोस्तों। और ये गेट कहाँ का है अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बस हो गया तो बस यहाँ से आपको डन कर देना है। आपको लगता है नहीं हुआ है तो आपको रिसेट कर देना है, फिर से सारे लोग आ जाएंगे, फिर से आप यहाँ पर अपना एआई की मदद से इरेज कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप पोर्ट्रेट फोटो में लाइट को भी कम ज्यादा करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। एआई की मदद से पोर्ट्रेट फोटो में लाइट भी आप ज्यादा कम कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली पोर्ट्रेट फोटो में लाइट कम होता है तो अच्छा नहीं लगता है। अब दोस्तों एक फीचर जो मैं भूल गया बताना, आप यहाँ पर अपने कंट्रोल सेंटर में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे में आपको एक आइकॉन देखने को मिल जाता है, जो क्या है तो जैसे ही करेंगे तो मल्टी यूजर का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है आपके मोटोरोला मोबाइल में। यानी कि मोबाइल आपको टेम्पोरली किसी को देना है यूज करने के लिए तो गेस्ट मोड में भी दे सकते हैं ताकि वो टेम्पोरली यूज करें और आपका मोबाइल आपको वापस कर दे। फायदा यह है कि गेस्ट मोड में वो आपका कोई भी डेटा आपके मोबाइल में नहीं देख सकता है, क्योंकि आपका डेटा उसका डेटा बिल्कुल सेपरेट होगा, इनफैक्ट आप भी उसके डेटा को नहीं देख सकते हैं। मगर घर में किसी का मोबाइल खराब हो जाता है, आपकी बीवी का या आपकी गर्लफ्रेंड का, नहीं दोनों एक साथ नहीं दोस्तों, या तो बीवी रखिए तो गर्लफ्रेंड रखिए, किसी का ही फोन खराब हो जाता है तो आप उसको एड यूजर बना सकते हैं। यानी कि जब तक उनका फोन ठीक नहीं होता है आप एड यूजर में उनको दे सकते हैं अपना मोबाइल। अगेन उनका लॉगिन होगा, उनका पासवर्ड होगा, उनका डेटा होगा, उनका प्राइवेसी होगा, आप उनके डेटा को नहीं देख सकते हैं, वो आपके डेटा को नहीं देख सकते हैं। ज्यादा डिटेल में जाना है तो मैनेज यूजर में आप जा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड गेस्ट कर सकते हैं, ऐड यूजर कर सकते हैं और इतना सारा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है जिसको आप कर सकते हैं। और पता नहीं ये कमाल का चीज आपने देखा नहीं देखा दोस्तों, गौर किया कि नहीं किया, आप देखते हैं कि आप रिसेंट में जाते हैं कोई भी ऐप नहीं खुला हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कि नोटिफिकेशन में दो है, चलिए इसको भी उड़ा देते हैं। और एक बार जब आप उड़ा देते हैं ये नहीं उड़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, फिर आपको लगता है कि अच्छा अब तो कोई ऐप रन नहीं कर रहा है ना फोरग्राउंड में ना बैकग्राउंड में, मगर ये क्या। आप जैसे ही ऊपर नीचे करते हैं तो आप देखते हैं अरे एक ऐप जो है वो एक्टिव है जो कहीं दिख नहीं रहा है दोस्तों। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना कि अगर कोई ऐप एक्टिव है चाहे वो बैकग्राउंड में हो चाहे वो फोरग्राउंड में हो, वो आपका बैटरी ही चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है, जो आपको नहीं करने देना है। अगर कभी भी आपको दिखता है एक ऐप एक्टिव है दो ऐप एक्टिव है तो उसमें जाना है, फटाक से उसको स्टॉप कर देना। इससे क्या होगा आप देखिए यहाँ पर एक ऐप जो एक्टिव था वो गायब हो जाएगा और गायब होते ही आपका फायदा ये होगा कि आपको मोबाइल का बैटरी नहीं चूसाएगा, मोबाइल गर्म नहीं होगा अननेसेसरी और मोबाइल का लाइफ बढ़ेगा, बैटरी का लाइफ बढ़ेगा और आप बोलते थे बैटरी ड्रेन हो रहा है वो सब बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस मोटोरोला मोबाइल के इतने सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स। आपको कैसा लगा ये फोन कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो बताने की जरूरत नहीं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर से कर ही दीजिएगा, क्योंकि ये पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। और थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके कैमरा के टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में, इसके गेमिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में, इसके सेटिंग्स के टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में, ताकि इसका बैटरी ड्रेन खत्म हो जाए, मोबाइल बिल्कुल भी अननेसेसरी गर्म ना हो, एक दिन से डेढ़ दिन आपको बैटरी बैकअप मिले। तो नेक्स्ट वीडियो के आने तक हमेशा की तरह दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।